नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अग्निश और आप देख रहे हैं टेक बीकर। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी टेक्स्ट का या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन का हम क्यूआर कोड कैसे जनरेट करते हैं। सो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है क्रोम, और क्रोम में ओपन करने के बाद आपको ये साइट सर्च कर लेना है जिसका नाम है unitag.io/QR code। मैं इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब यहाँ पर इस साइट पर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे क्यूआर कोड जनरेटर है और क्यूआर कोड स्कैनर है। तो इनका एक एप्लीकेशन आता है, वैसे हमें अभी क्यूआर कोड जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्यूआर कोड पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हमें फर्स्ट देखने को मिलता है क्यूआर कोड टाइप। तो यहाँ पे पहला टाइप इनका देखने को मिलता है वेब एंड सोशल नेटवर्क्स। तो अगर आपको किसी भी साइट का यूआरएल यहाँ पे आपको डालना है, जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मैं मेरे ही चैनल का जो है यहाँ पे क्यूआर कोड मैंने डाल दिया हूँ पहले से ही। और यहाँ पे आपको अदर टाइप्स में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, बिजनेस कार्ड्स है, टेक्स्ट है, फ़ोन नंबर है, वायरलेस नेटवर्क है और काफ़ी सारे आप ट्राई आउट करके देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेरे चैनल का लिंक डाल दिया हूँ। अब आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो देखिए मेरा क्यूआर कोड जो है वो जनरेट हो चुका है। देन आप नीचे आओगे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है आपको कस्टमाइजेशन का, और कस्टमाइजेशन में भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे टेम्पलेट्स दे रखे हैं इन्होंने, तो जैसे फर्स्ट वाला जो टेम्पलेट है आप हर एक क्यूआर कोड में तो आपको देखने को मिलता ही कुछ इस तरह का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट वाला जो क्यूआर कोड है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब गाइस आप अच्छे से देख पाओगे इसके बीच में एक इमेज आ रही है और इस पर वाईफाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो इमेज है आप अपने मनपसंद की कोई भी इमेज डाल सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे लोगो पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करके कोई भी इमेज आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे गाइस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो फाइल साइज़ है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 500 KB से अगर आपका फाइल साइज़ ज़्यादा रहा तो आपको कुछ इस तरह का एरर देखने को मिल सकता है स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक इमेज है तो इस इमेज को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अपलोड पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे आप देख पाओगे क्यूआर कोड में वो इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है। और नीचे की तरफ गाइस आपको और कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे एक लुक का ऑप्शन देखने को मिलता है। जो क्यूआर कोड में वो बॉक्सेस जो है आप उनका थोड़ा बहुत लुक चेंज कर सकते हो, जैसे स्लीव करके है और स्क्वायर, ये तो सिंपल ही देखने को मिलता है तो हम स्क्वायर ही सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देंगे। तो ठीक है, ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये जो तीन बॉक्स दिख रहे हैं गाइज, आपको टॉप में दो है और नीचे में एक बॉक्स देखने को मिलता है, इन्हें ये आइस कहते हैं। तो आइस जो है आप थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंज कर पाओगे। और अभी डाउनलोड से कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली डाउनलोड द क्यूआर कोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइज इस क्यूआर कोड को डाउनलोड कैसे करना है आपको मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ जैसे ही आओगे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डाउनलोड द क्यूआर कोड का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे गाइज ये जैसे डाउनलोड होता है इसकी जिप फाइल डाउनलोड होती है, तो कुछ इस तरह की आपको जिप फाइल देखने को मिलेगी जिसका नाम होता है यूनिटैग क्यूआर कोड जिप फाइल। तो इस पे आपको क्लिक करके इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है और आपको इंटरनल स्टोरेज में या फिर एसडी कार्ड में इसको जहाँ भी सेव करना है आप उसका लोकेशन दे दो। जैसे मेरे को डाउनलोड फोल्डर में इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो सिंपली मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देख पाओगे कि यूनिटैग का एक फोल्डर आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे एक PDF फॉर्मेट में देखने को मिलता है और तीन इमेजेस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इमेज, ये देखिए कुछ इस तरह की इमेज आपको देखने को मिल जाती है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दूसरे के साथ शेयर कर दो। और मिलता हूँ गाइस आपको अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।